अगर देश में कहिएगा तो अभी बीजेपी की वर्तमान सरकार है, बिहार में भी उनकी गठबंधन से नीतीश बाबू सरकार चला रहे हैं। जिस प्रकार बिहार ही नहीं देश के अंदर जब छात्रों ने रेलवे के नीति के नीति पर उन्होंने संदेह करते हुए सवाल उठाया, अपने हक की लड़ाई के लिए जब सड़क और रेलवे के पटरी पर आए तो सरकार ने क्या किया, उनके ऊपर लाठी चलवाने का काम किया, नीतीश बाबू ने आंसू गैस के गोले दगवाए, बेरहमी तरीकों से छात्रों को मारा गया, उनको जबरन घसीटते हुए जेल के सलाखों के अंदर डाला गया, क्या यही न्याय है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि तत्काल अपने प्रभाव से रेलवे मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको निष्कासित करे, जितने भी छात्र जेल के अंदर हैं उनके ऊपर झूठी मुकदमा जो दर्ज करवाई गई है वो वापस ले, और साथ ही उनको जेल से सम्मान बेशर्त के उनको बाइज्जत बरी करे, और झूठे जितने भी पुलिस पदाधिकारी जिन लोगों ने छात्रों के ऊपर लाठी या गोली आंसू गैस के गोले दागे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत जाए। टीचरों के ऊपर जो FIR हुआ उसके लिए टीचर के ऊपर जो FIR हुआ तो ये जांच का विषय है कि आखिर उनके कोचिंग संस्थान के बच्चे कैसे सड़क तक गए, तो ये लाइबिलिटी टीचर के ऊपर आएगी। इसलिए अगर FIR हुआ तो कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर जो FIR हुआ वो वास्तविक है और लाजमी भी है कि आखिर हमारे कस्टडी में अगर 500 भीड़ है और भीड़ अगर यहाँ हुड़दंग मचाएगी तो पता है कि ठाकुर चंदन सिंह या मधुवंदर सिंह या अन्य लोगों पर FIR दर्ज होगी। तो भीड़ को नियंत्रण करना भी टीचर का काम था, अगर टीचर नहीं उकसाते तो छात्र सड़क पर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं जो भी सर रहे हो जो भी टीचर या कोचिंग संचालक रहे हो उनकी भी गलती है, उन्होंने भी बिहार के अंदर या देश के अंदर छात्रों को भड़काने का काम तेल में घी जैसे लगाकर आग लगाते हैं, उसका उन्होंने इस आंदोलन को आग लगा दिया और पता ही नहीं चला कि कब इस छात्र आंदोलन को बिहार की विपक्ष हो या देश की अन्य विपक्षी पार्टी हो थामने का काम किया। आखिर इस मुद्दे पर जो बिहार की विपक्ष इंटरेस्ट ले रही है मैं यह भी जानना चाहता हूँ। ठाकुर चंदन सिंह और मधुवेंद्र सिंह भी जेल आपको गोयनका कॉलेज में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हमने अनशन पर बैठा था तो वहाँ हमारे ऊपर भी कतलाना हमला हुआ, हमें जेल भेजा गया, तब तो बिहार की विपक्ष की आवाज चुप्पी साध गई, ताला लग गया। आखिर क्यों कहीं न कहीं विपक्ष छात्र बिहार में अपनी रोटी सेक रहा है, रोटी सेक रहा है, आज भी विपक्षी वही काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल विपक्षी भी वही काम कर रहे हैं। पेपर में कैसे आ रहे हैं, बात बोल रहे हैं, सत्य बात बोल रहे हैं, छात्र के बारे में बता रहे हैं कि छात्र की जो मांग है वो जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिक मुद्दा लेकर लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं कि आगामी 25 में या 22 में या 24 में कैसे हमको वोट बैंक हासिल हो। धन्यवाद। जगत जननी माँ जानकी की धरती से सभी लोगों को प्रणाम। आज जो है जगत जननी माँ जानकी की धरती को खून से लहूलुहान करने का काम किया प्रशासन, मीडिया के पास फायरिंग का सबूत है, फिर भी बोला जाता है कि फायरिंग नहीं किया जाता, क्या मीडिया के सामने फायरिंग झूठा आया है? जगत जननी माँ जानकी की धरती को आज विकास के नाम पे 13 साल से एक अवा भी नहीं बनता है, और यहाँ घोषणा किया जाता है कि देश का नंबर 1 रेलवे स्टेशन होगा माँ जानकी का सीतामढ़ी, लेकिन ये ढकोसला और विनम्रना माननीय योगी आदित्यनाथ को भी बताना चाहते हैं कि आप हिंदुत्व के नाम पे देश के युवा को ठगने का नाम किया है। आप बगल में भी आए थे माँ जानकी के धरती पे प्रणाम करने नहीं आए, आप हिंदुत्व का सबसे बड़ा वट खिलाफ है, क्योंकि भगवान श्री राम बोले थे जब तक माँ जानकी का कल्पना हमसे नहीं करना। और हम बोलना चाहते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार को इंदिरा गांधी याद करो, 1974 आंदोलन छात्र युवा का ही हुआ था। अगर तुम नरेंद्र मोदी सरकार 7 साल में 14 करोड़ रोजगार नहीं दे पाया, 3 साल में 19 लाख रोजगार नहीं दे पाया और छात्र को डंडा से डराते हो, नहीं जब तक जेल में चेना रहेगा आना जाना बना रहेगा, चाहे प्रकाश नारायण बोले हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक पूरे देश में युवाओं को लेकर रैली निकालते हैं कि रोजगार दो। माननीय शेर सिंह राणा सीतामढ़ी की धरती को खून से लहूलुहान न करे प्रशासन पक्ष विपक्ष, छात्रों अगर जग गया ना तुम्हारा कुर्सी